अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभी हम पहुंचे हुए बढ़िया थाना इलाके के कुरुआ बाज़ार पे और आप देख सकते हैं कि ये कुरुआ जाने वाली यानी कि बढ़िया जाने वाली ये रास्ता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी अभी जो जानकारी मिली है सामने एक ट्रक है जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रक जो है वो अपने रास्ते से आ रही थी और इधर से एक कोई स्कॉर्पियो थी और आमने सामने की टक्कर हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि अनियंत्रित हो गई थी जिसको लेकर के बड़ा हादसा हुआ। हालाँकि इस हादसे में हल्की चोटें आई हुई है। स्कॉर्पियो को स्थानीय पुलिस आई थी लेकर के चली गई। आप देख सकते हो वहाँ पे कैसे ट्रक के थोड़ा नज़दीक करके दिखाएं तस्वीरों को कि किस तरीके से जो ट्रक है उसके परकच्चे उड़ गए हैं। तो ये हम आपको कुरुआ की तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि सिवान ज़िले के बहड़िया थाना इलाके का कुरुआ है। मुख्य जो मेन रोड है वहीं की यह तस्वीर है और इस पे जैसे कि बताया जा रहा है कि मक्का इस पे लदा हुआ है जो कि ट्रक पे, स्थानीय लोग बता रहे हैं और लोगों का कहना है कि काफ़ी ओवरलोड ये ट्रक है। यहाँ थोड़ा सा आइए, कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ आइए, कैसे क्या हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी सर, ये अचानक स्कॉर्पियो और ट्रक का अचानक एक आवाज़ हुई टक्कर की, तब तक यहाँ के स्थानीय लोग दौड़ना शुरू किए और राहत कार्य का काम शुरू हुआ जिसमें बच्चा बुरी तरह से मतलब दबा हुआ था उसमें और हम लोग पूरे सहयोगी यहाँ पे आते। तो आखिर घटना कैसे घट गई, स्कॉर्पियो और ट्रक की कैसे टक्कर हो गई? अचानक स्कॉर्पियो बहड़िया साइड से आ रही थी और अचानक शायद ये ट्रक के चक्का फटने से और ओवरलोड, जी और ओवरलोड होने के वजह से ट्रक बहड़िया की तरफ से आ रही थी और स्कॉर्पियो सिवान। किसी को ज़्यादा चोट नहीं लगा? मैंने ज़्यादा चोट नहीं है, वह बच्चा थोड़ा सा गंभीर रूप से घायल है जिसको अस्पताल। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हालांकि बारिश भी हो गया और बड़ी घटना होते होते बच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रक का टायर फट गया और उसी के वजह से जो स्कॉर्पियो है आमने सामने की टक्कर हो गई। हालांकि इसमें ज़्यादातर कोई क्षति नहीं है जान माल की, कुछ लोग घायल थे उनको इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भेज दिया गया। स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो ट्रक में एक साइकिल है, देख सकते हैं आप कि साइकिल अंदर चला गया है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह का कोई हादसा, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये साइकिल कैसी है बताइए? वो लड़का का साइकिल इधर से खड़ा था, उधर ले कर मार दिया, इसी में छीन लिया। हाँ, तो लड़का को कुछ हुआ नहीं ना? नहीं, उसमें जब गया था उसमें एक घंटा दब गया था। हाँ, तो एक घंटे के बाद JCB आया तो उसको उठाया तो मैंने जिंदा था। लड़का ठीक है? ठीक है, और यहीं कराने वाला है? गया था हॉस्पिटल, यहीं कराने वाला है, गया था हॉस्पिटल। हल्का फुल्का चोट है? हाँ, चोट था तनिषा। तो बिल्कुल देखिए, लोग बता रहे हैं कि जो ट्रक का जो टायर है वो फट गया और जिसके वजह से अनियंत्रित हो गया और इसी के कारण यह घटना घटी। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मक्का गिरा हुआ है, ओवरलोडेड ट्रक है। लोग बता रहे हैं कि काफ़ी ओवरलोडेड ट्रक है और इसमें जो है मक्का लदा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घटना घटी है। इस पे मक्का लदा हुआ है और ट्रक जो है उसका टायर फटा, उसके बाद से अनियंत्रित हो गया, स्कॉर्पियो में टक्कर हुई, उसके बाद इस तरह की घटना घटी। लेकिन इस घटना में किसी तरह की कोई जान माल की क्षति नहीं हुई। साइकिल वाला जो बच्चा था वो घायल हो चुका है, उसका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। सिवान के बहड़िया से राजा गुप्ता के साथ चंदन कुमार, ATL लाइव सिवान। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशन्ड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टी पारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523050033, 7561919462।